दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, और ये बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इफ़को एजीटी वैकेंसी 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, चूँकि इस पर लिखा हुआ है थंबनेल पर, सैलरी 70,000 पर मंथ होगा, ऑनलाइन अप्लाई का डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सिलेबस एंड सीट्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानेंगे, और क्या नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है ऑफिशियली इफ्को के द्वारा, उस नोटिफिकेशन पर आपको ले जाएंगे और आपको सभी चीज़ों को दिखाएंगे समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसी नोटिफिकेशन पर आपको सभी चीज़ों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी यानी एजीटी, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिफिकेशन का बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुल मिलाकर के एजीटी यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का जो इफ्को का एक वैकेंसी है वो आ गया है, और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, और इसका लास्ट डेट क्या है, इन सभी बातों को भी आपको बताऊँगा। अब बात करें क्वालिफिकेशन का, तो इसका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री, दोज कैंडिडेट्स होज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाई नवंबर 2023 कैन ऑल्सो अप्लाई। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जिसका तो बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट डिग्री हो गया है वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही, लेकिन जिनका रिजल्ट नवंबर 2023 तक आ सकता है, आने की उम्मीद है, ऐसे छात्र भी भर सकते हैं जो कि लास्ट ईयर में भी हैं। और नेक्स्ट है आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स शुड हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, एंड एससी एसटी कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री, दोज कैंडिडेट्स हु हैव सीजीपीए स्कोर इन बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री शुड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आप जनरल और ओबीसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम यानी न्यूनतम 60% मार्क्स होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में, और जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है, जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होता है ये सीजीपीए में होता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों का, तो आपको इस रिजल्ट को परसेंटेज में बदलना होगा जिस टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2020 एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट 2020 या 2020 के बाद बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिए हैं सिर्फ वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 2020 और 2021 और 2022 और 2023 में जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री लेकर के सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, 2020 से पहले यानी 19, 18, 17 ये सभी छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और नेक्स्ट है द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। यानी आपका यूनिवर्सिटी UGC से रिकॉग्नाइज हो, तो आप ऐसे कॉलेज से डिग्री लिए हैं, डिग्री किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है अपर एज लिमिट, तो दोस्तों इसका बात करें अपर एज लिमिट का, तो अपर एज लिमिट इसका है 30 साल, मात्र 30 साल। यानी जिन छात्रों का उम्र 30 साल तक है वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका उम्र 30 साल से ज़्यादा है वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और लिखा गया है कि ये जो आपका एज लिमिट है ये आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, 1 अगस्त 2023। और नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे बात करें तो जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स होंगे उनको एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा, और जो ओबीसी के स्टूडेंट्स होंगे उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी तिथि 7 अक्टूबर 2023 है। यानी 7 अक्टूबर 2023 तक इसके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है, उससे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि फॉर्म भरना है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन का बात करें, फॉर फील्ड ऑफिस लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया, हाउ एवर नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज फॉर द कनेक्टेड स्टेट इज़ ए मस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका पोस्टिंग यानी आपको ऐसे क्षेत्र में काम दिया जा सकता है सेलेक्ट होने के बाद जिस क्षेत्र के जिस राज्य के आपका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद रिगार्डिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच एप्लीकेशन
आर मेड, ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड डिज़ायरेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड का, तो ये जो है आप जैसे को पता ही है ये AGT यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का ये वैकेंसी है। तो आपका ट्रेन इसमें फर्स्ट में जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको एक साल का ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है, कितने सालों का, एक साल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बात करें कॉम्पनसेशन का, तो जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आप तब तक आपको 33,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और बाकी के जो फैसिलिटीज़ हैं मिलेंगे। और जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और एक जनरल वर्कर हो जाते हैं इफ्को का, तो आपको 37,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक ये आपका पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सर्विस बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनिज बिलोंगिंग द जनरल OBC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सर्विस बॉन्ड ऑफ ₹80,000। यानी कहने का मतलब ये है कि जो OBC के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो जनरल या OBC के स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो सर्विस बॉन्ड को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इसमें बात आपको बता दें तो 3 साल के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको 3 साल तक काम करना ही होगा। अगर इसके बीच में आप छोड़ कर जाते हैं और आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बदले में आपको 80,000 रुपये का पेमेंट करना होगा उल्टे इफ्को वालों का। और वहीं बात करें SC/ST स्टूडेंट्स का, तो अगर SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स बीच में छोड़ते हैं 3 साल से पहले, तो उनको 20,000 रुपये का भरपाई करना होगा इफ्को वालों का, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर पे थोड़ा हम आपको बता दें, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अवेयर फॉर प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग दियर ओन रिसोर्सेज कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो इसका जो PT होगा यानी प्रीलिम्स टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जिसमें आप अपने खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप से आप अपने घर पे बैठ करके इंटरनेट फैसिलिटी से जुड़ करके आप इसका PT दे पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एट द डिजाइंड सेंटर्स एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर। अब दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट PT को क्वालिफाई करेंगे उनको सेकेंडरी टेस्ट के लिए, यानी जो इसका मिड टेस्ट होता है, चूँकि इसमें बता दें आपको पहला होता है PT और इसका होता है दूसरा बीच में सेकेंडरी टेस्ट होता है, जो कि आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में देना होगा। जैसे फर्स्ट PT है वो आप खुद के घर पे देंगे, और जो दूसरा परीक्षा है, अगर आप पहला परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आपको किसी सेंटर पर बुलाया जाएगा जो कि कंट्रोल्ड होगा इफ्को के द्वारा, और इस सेंटर का जहाँ पे नाम दिया हुआ है बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोलकाता, पटना, इन सभी सेंटर्स पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में पेपर देना होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो पेपर होगा आपका ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। PT एग्ज़ाम तो अपने घर से ही दे देंगे आप, लेकिन ये जो आपका सेकेंडरी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, तो सेकेंडरी एग्ज़ाम को आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देना होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ द सेंटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू OPT एनी टू टेस्ट सेंटर इन टू ऑर्डर ऑफ दियर प्रिफरेंस आउट ऑफ द अफॉरमेंशन सेंटर्स। एफर्ट्स विल बी मेड टू एलोट द टेस्ट सेंटर इन ऑर्डर ऑफ चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम आप फॉर्म को फिल करते हैं उस टाइम मिनिमम आपको 2 सेंटर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप पूर्वांचल बिहार या झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको वाराणसी, पटना, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप इन सेंटर को चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी के आपको 2 सेंटर कम से कम चूज करना होगा और अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप सेंटर चूज करने के बाद कुछ ऐसा करते हैं कि सेंटर बदला जाए, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, सेंटर आपका नहीं बदलने वाला है, यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे आपका PT होगा, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट होगा कंट्रोल एनवायरनमेंट में, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो छात्र इन दोनों परीक्षा को यानी PT को और मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस ऑन फाइनल ऑन लाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू विल बी मेडिकली एग्जामिन एज पर
इफकोज मेडिकल स्टैंडर्ड बिफोर फाइनल सिलेक्शन, यानी फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको मेडिकली चेक किया जाएगा इफको के द्वारा, जो इफको के मानक हैं। और दोस्तों जनरल में जनरल चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था सिलेबस, तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इस AGT का यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का, इसका जो PT है उसका सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में। और बाकी के मैं आपको बता दूं इसका जो सीट होता है कि कितने सीटों पर ये वैकेंसी आई है, और इसका जो मेन टेस्ट होता है सेकेंडरी टेस्ट, उसका क्या सिलेबस होता है। तो आज तक इसको किसी को नहीं बताया किसी भी परीक्षा में, तो इस बार भी नहीं बताने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं इसका सीट कितना है, ये कभी किसी को पता नहीं चल पाता। और इसका जो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या होता है, वो भी किसी को पता नहीं चल पाता। और बात करें इसका जो PT है, इसका PT का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जो PDF, इस PDF को भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इन सभी चीज़ों को खुद से भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि AGT क्या है और AGT के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह के वैकेंसी से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।